Hi friends, welcome back. So friends, abhi ka video hai INS Vikrant, how aircraft carriers work, INS Vishal. So friends, video shuru karte, par video shuru karne se pehle agar aap channel par naye ho aur aapne abhi tak subscribe nahi kiya, to jaldi se pehle subscribe ke button aur bell icon ko click kar lo taki aapko hamare sare new videos ke notification mil jaye jaise hum upload kare. Agar aapko video pasand aata hai, please like and share. Chaliye shuru karte hain. Jai Hind. INS Vikrant jo Bharat ka pahla indigenous aircraft carrier hai, iske बारे में टोटल स्पेसिफिकेशन, इसमें कैसे कैसे ये काम करता है एयरक्राफ्ट करियर, इसके बारे में समझते हैं. देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास नेवी बहुत कमजोर थी और तटरेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत थी जिसके ऊपर से हम हवाई जहाजों को उतार सके, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है. बड़ा बनाएंगे तो फिर जहाज पकड़ा जाएगा, मार के गिरा दिया जाएगा, तो छोटे दूर तक ही वो जा सकते हैं, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत पड़ी. जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुए, तो ब्रिटेन का एक जहाज बन रहा था HMS हरकुलियस, ये अपने काम नहीं आ सका क्योंकि ये बनते-बनते ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया. तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके अपने करियर में शामिल कर लिया और ये 1997 तक भारतीय सेना में रहा. ये एयरक्राफ्ट करियर हमने उसको नाम दिया INS विक्रांत. तो विक्रांत जो है हमारे साथ कई यादें जोड़ा है 1971 की लड़ाई में. 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट के रख दिया, यही विक्रांत इसको डुबाने के लिए आया था. पाकिस्तान का PNS गाजी जो खुद डूब के चला गया, और 1971 की ये वीडियो को, ये पिक्चर को कोई भूल नहीं सकता. हालांकि 1971 की लड़ाई पर हम पूरा एक वीडियो बना दिए, कितने लोग देख लिए होंगे लोग. अब हम समझते हैं विक्रांत के बारे में. विक्रांत जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया, हालांकि ये नहीं तोड़ना चाहिए था, इसे एक म्यूजियम बना देना चाहिए क्योंकि इसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, इसे करना गलत था. हालांकि इसे डिमोलिश कर दिया गया यहां पर, और इसके लोहे को, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लोहा निकलता है, इस लोहे को बजाज कंपनी ने खरीद लिया था और उसने एक मोटरसाइकिल बनाया था विक्रांत. आप देखे होंगे उसका इस तरह से लोगो रहता है, हालांकि एक तरह से अच्छा ही काम किया उसने, कहा कि इसमें देश का लोहा लगा हुआ है विक्रांत जहाज का. विक्रांत के डिमोलिश के बाद हमारे पास एक और था विराट, उसको भी हम लोगों ने रिटायर कर दिया. विक्रांत और विराट के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने यूक्रेन से, जो पहले USSR का था, INS विक्रमादित्य को खरीदा. ये क्यू क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको हम लोग ने मॉडिफाई किया और इसे रखा. तो भारत जैसे इतने बड़े तटरेखा वाला, और भारत के दोनों तरफ दुश्मन है. अब यहां पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया, इसलिए उसका यहां से कनेक्टिविटी भी इजी है, और चाइना इस साइड से भी, तो हमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर की हमेशा जरूरत पड़ती है. एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हो नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने एक दोबारा विक्रांत बनाया. अब आप कहेंगे सर दोबारा कैसे विक्रांत, वो तो टूट चुका था. तो समझिए कैसे, आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, अभी बकलोलिया के चक्कर में बेचारा मरा गया, ही कटप्पा मार दिया, तो अमरेन बाहुबली मारा तो उसका बेटा जो आया सेम उसी शकल का, लगभग नाम मैच था, तो वैसे ही हम लोग का विक्रांत आया. एक विक्रांत जो खत्म हो गया, तो जिस तरह से अमरेन्द्र बाहुबली के जगह पे महेंद्र बाहुबली आए थे, उसी तरह विक्रांत फर्स्ट के जगह पर विक्रांत सेकंड आया. पहला विक्रांत ब्रिटेन का बना था HMS, और इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया है, तो इसको बना लिया है. अभी इसे हम लोगों ने सी ट्रायल में भेजा है. ये 22,000 करोड़ में बनाया गया है इसे, और इसे बनने में लगभग 10 साल लगा. अभी एक साल और इसका सी ट्रायल लगेगा, 2013 से 2022 के बीच में इसे बनाया गया. ये इंडिजीनियस बना है, जब कोई चीज उसी देश में बनता है तो उसे इंडिजीनियस कहते हैं. तो इसका लगभग 80% पार्ट, 60 से 70% इंडिया में ही बना है, तो इंडिजीनियस है. बाकी बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें लगभग आप समझिए कि 1.25 लाख हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है, यानी 1,10,000 घोड़ा मिलकर जितना खींचेंगे सो अकेले खींच देता है. 2021 में इसका सी ट्रायल होगा. इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है. कोची शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है. पहले इसे ड्राई डॉक में रखा जाता है, नीचे का पेंदी उदी बना दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इसे समुन्द्र में उतार दिया जाता है. समुन्द्र में उतारने के बाद इसके ये एविएशन कॉम्प्लेक्स, ऊपर रडार वगैरह, इस सब चीज के ऊपर के डेक को बनाया जाता है. शुरुआत में जब ये ड्राई डेक में रहता है तो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे देखिए ना इसका ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर एविएशन कॉम्प्लेक्स, तो है ही नहीं है, तो पहले नीचे का एरिया बना दिया जाता है. जब पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है. देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा कोची शिपयार्ड, यहाँ एक कोपचा टाइप का देख रहे हैं, इसमें ससुरा इसको घुसा देगा और इसका मेंटेनेंस करेगा. तो कोची शिपयार्ड बहुत बड़ा है, इसमें इसीलिए टाइम लगता है, नहीं तो छोटे मोटे जहाज में झमेला ही नहीं है. कोची शिपयार्ड को बड़का जहाजुआ बनाने में दिक्कत होता है, कई किलोमीटर मतलब लंबे होते हैं एरिया में, छोटका छोटका को तो ससुरा टांग के उठा देता है कि चल सोचो जो उन्हें मछली मारना है. यहाँ पर INS विक्रांत को अभी बनाकर इसका सी ट्रायल में उतार दिया गया. इसकी लंबाई 860 फीट, 203 फीट इसकी जो वेट है, 184 फीट
इसकी ऊंचाई है यहाँ पर, एरिया लगभग 1.2.5 एकड़ में है, सोचिए उतना एकड़ जगह है यहाँ पर। टॉप स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर है, ये 15,000 किलोमीटर जा सकता है। 196 ऑफिसर रख सकते हैं, 1149 इस पे सेलर रह सकते हैं। इसके अलावा इस पे ऊपर एविएशन क्रू रहेंगे, सब हेलीकॉप्टर रहेगा, उसके पायलट इंजीनियर जहाजे रहेंगे, उसके पायलट इंजीनियर। अब ये सी ट्रायल में रहेगा एक साल तक, एक साल में इसकी हर चीजों को जांच किया जाएगा, इसका ड्राफ्ट देखा जाएगा, जितना अंदाजा किया गया था उतना ही है या नहीं है, इसका टर्निंग रेडियस देखा जाएगा, क्योंकि जहाजों को युद्धक जहाज इसे बहुत जल्दी टर्न कर लेना चाहिए, इसका स्पीड ब्रेक को देखा जाएगा, इसका स्पीड ट्रायल किया जाएगा। और इसके पूरे एक साल तक जब ये ट्रायल चलेगा, इसका एंकर रूम एंकर कैसे गिर रहा है, क्योंकि ये एंकर जो होते हैं इसे बहुत मदद करते हैं जहाजों को रुकने में और अचानक टर्न लेने में। फुल स्पीड में जहाज जाती है, एंकर गिरा दीजिएगा तो पीछे से टर्न कर जाती है अचानक, एंकर छोटा नहीं होता है, देख रहे हैं बाबा इसी में बैठा लाइट अचलू यहाँ पर, तो बहुत हैवी होता है, इसका इमरजेंसी ब्रेक कह सकते हैं इसमें। इसके इंजन वगैरह की जांच होगी, बहुत हैवी इंजन लगाया जाता है, इसके इंजन को पास क्या किया गया, देखिए डीजल इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है इसमें। इंजन का जो शाफ्ट जितना लंबा रहेगा उतने जल्दी जहाज पकड़ी जाएगी, क्योंकि जितना लंबा ये इंजन का ये प्रोपेलर शाफ्ट आएगा उतने ज्यादा जहाज में वाइब्रेशन आएगी। जो इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर रखे जाते हैं वो ऊपर नहीं रखे जाते, इसके नीचे वाले डेक में रहते हैं सेकंड फ्लोर पर, और नीचे ले जाने के लिए यहाँ एक लिफ्ट लगा रहता है जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट लिफ्ट कहते हैं, और इसी में जहाजों को रख के नीचे लेके जाया जाता है यहाँ पर। अब ये इसके बारे में भी कुछ लोग कह रहे हैं ये छोटा है बड़ा, इसको समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए ये ऊपर का डेक है, जहाज इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन ये आईएनएस विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य के साथ खराबी क्या है कि इसका लिफ्ट सामने है, लिफ्ट सामने के होने की वजह से जहाजों को जितना बड़ा जहाज है उतने बड़े लिफ्ट करना पड़ेगा, जबकि आईएनएस विक्रांत जो हम लोगों ने बनाया है इसका लिफ्ट जो है वो सी फेसिंग की ओर, समुद्र की ओर। तो देखिए ये लिफ्ट जब सी फेसिंग की ओर रहता है तो ये लिफ्ट छोटा भी रहेगा ना, तो जहाज यहाँ ले आइए और जहाज का कुछ हिस्सा बाहर लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग है विक्रांत का, दो दो तो लिफ्ट है, एविएशन कॉम्प्लेक्स जो ऊपर आइलैंड होता है उसके एक साइड इधर एक साइड इधर, दो दो लिफ्ट है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसका ये लिफ्ट, इसका जहाज का इतना हिस्सा देखिए समुद्र के बाहर है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे किसी पे सिंह फिर इसको उठा लिया जाए। देखिए सारी जहाजें अंदर होती है, अंदर ही इसकी सर्विसिंग, मोबिल तेल पेट्रोल डीजल इसे बंद किया जाता है, बदला जाता है, सर्विसिंग वगैरह सब अंदर होता है, जहाजे में फ्यूल वगैरह सब अंदर लोड कर दिया जाएगा, हथियार वगैरह लोड करके उसके बाद ऊपर ला दिया जाता है, ऊपर खड़ा हाई सब जो है सब ऊपर एकदम रेडी है सभी सब। और नीचे बात देखिए दो चार को झांक रहे हैं सब इधर, सब अभी सर्विसिंग हो रहा है इसका। कुछ लोग का कहना है कि ये 9 मीटर का ही है ये लिफ्ट, अब किसी ने इसे जांचा नहीं है, सेटेलाइट इमेज के हिसाब से उन लोगों ने अंदाजा लगा दिया 9 मीटर का। और इनका कहना है कि भाई देखिए इसमें ना MiG-29K फिट हो जाएगा, क्योंकि MiG-29 जो के है नेवल वर्जन है, इसका विंग्स ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो जब ये हैंगर में जाता है ना तो ऐसे फोल्ड करके नीचे चल जाता है, उतर के आता है, जब उड़ना रहता है तब खोलता है, फिर उड़ जाता है। अब ये लेकिन तेजस भी आराम से फिट हो जाएगा, लेकिन जो अभी नेवी में सबसे तगड़ा चल रहा है F-18 सुपर हॉर्नेट, ये फिट नहीं होगा, राफेल भी फिट नहीं होगा, अब ये किसी ने नापा नहीं है। अब दूसरी बात, ना हमारे पास F-18 है और ना ही राफेल का नेवल वर्जन है, इसको आने में भी अगले 8-10 साल लगेंगे, तो अगर मान के चलिए ये फिट नहीं हो पाएगा तो हम इसे लंबा चौड़ा कर देंगे, तो आप कहेंगे सर उसके लिए 6 महीना टाइम लगेगा इसको अलग करने का, भैया इसको सर्विसिंग में भी 6 महीना लगती है, किसको है? पूरी बड़की जहाजिया, तो 6 महीने मान के चलिए हमें इसे चौड़ा करना पड़ा, तो जब ये सर्विसिंग में जाएगी तो वहीं कह दिया जाएगा नेवी वालों से भाई इसको और चौड़ा कर दो। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 11 मीटर का है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। अभी हमारे पास कौन सा है, तेजस ही है, नेवल तेजस तैयार कर रहे हैं, MiG-29K है। अब वो ये सब जहाज आएंगे 2030 के टाइम पे। हाँ ये बात अलग है कि मैं लिफ्ट को बड़ा होना चाहिए, जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा रहना चाहिए, छोटे में अगर लिफ्ट छोटा रहेगा तो जहाजिया ऊपर फंस जाएगी। मान के जो लिफ्ट छोटा है, जहाज बड़ा इसे रख दिए इसी पे जहाज, लिफ्ट वहां नीचे चल जाएगी ऊपर फंस जाएगा इसे। इसका जो डेक होता है इसकी मार्किंग को समझते हैं, देखिए ये रेड लाइन जो दिखा रहा है, ये रेड लाइन ये हैंगर एरिया है, यहाँ जहाजों को खड़ा करना हो रहा है, यहाँ जहाजें खड़ी रहेंगी, वो जहाजें खड़ी रहेंगी जो रेडी टू फाइट है, और ये तो हैंगर है यहाँ पर, इसके रास्ते अंदर नीचे चली जाएंगे। अब ये जो येलो लाइन है ये रनवे का लाइन है, इसमें दो टाइप के रनवे होते हैं, एक शॉर्ट टेक ऑफ के लिए, यहां से जो टेक ऑफ करेगा जहाज उसको पूरे फुल पावर के साथ उड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रनवे छोटा होता है, एक यहां रहता है, यहां पे थोड़ा ये लंबा रनवे होता है, दोनों में सेम जहाज उड़ती है। लेकिन अगर मान के चलिए आप ही को 100 मीटर का दौड़ और 200 मीटर का दौड़ लगाना है तो एनर्जी में डिफरेंस आता है। इसको इसलिए रखा गया है दो टाइप का कि ज्यादा से ज्यादा जहाजों को कम समय में उड़ाया जा सके, एक यहां से फटाक से उड़ान भरा, 2 सेकंड का गैप देखिए उधर उड़ा दिया, यहां एक ही रनवे रहता था दिक्कत होता। इस रनवे के अलावा यहां पर लैंडिंग के लिए ये वाला स्ट्रिप होता है, लैंडिंग वाला स्ट्रिप होता है यहां पर, इस पर जहाजें लैंड करती हैं।
ये गोल वाला है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर वगैरह को। आप कहेंगे सर यहाँ हेलीकॉप्टर रहेगा तो लैंडिंग कैसे करेगा, हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाएगा, लैंड करके फिर रख देते हैं अपने यूज के हिसाब से। अब इसके लैंडिंग के टाइम पे पीछे अरेस्टेड वायर रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जहाजे हैं तो ये खाली पे है, इसमें भी खाली दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर है पूरा हैंगर लोड है। यहाँ पर ये सारी जहाजे जो हैं रेडी टू फाइट पे खड़ी हैं सर। यहाँ पर ये यहाँ पर अभी रनवे के पास देखिए, यहाँ से ये टेक ऑफ के लिए रेडी है, यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। यहाँ पर जहाजों को आजकल उतारने के लिए कम जगह पे अरेस्टेड लैंडिंग किया जाता है। यहाँ तीन वायर होते हैं। अमूमन जहाज का जो पायलट होता है जब लैंडिंग करने के लिए आता है तो इन तीन वायर में से बीच वाले वायर में फंसाने के लिए वो ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि पहले में अगर फंसाता है तो हो सकता है कि उधर ही गिर जाए। देखिए जहाज में नीचे हुक लगा रहता है, इसी को कहते हैं अरेस्टेड लैंडिंग। ये आता है और इसमें फंसा लेता है, और ये फंसाता है तो ये जहाज लैंड करती है ना इसी हुक के वजह से। और ये जहाज जो भी पायलट आता है फुल पावर के साथ लाता है कि बाय द वे अगर हुक ना फंसे तो वापस लेके उड़ जाए, और फंस गया तो खुद ही रोक लेगा। और पायलट को पता भी चल जाता है, वो फुल पावर से आता है और केवल चक्का टच करता है और वो सोचता है कि भाग जाए, और अगर फंस गया उसको लगता है कि नहीं भाग रही है तो समझ जाता है फंस गया है, रोक देता है, अन्यथा लेके फिर वापस उड़ जाएगा। कभी कभी नहीं फंसता है। पायलट को यहाँ पे लैंडिंग कराने में सबसे समस्या आती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराना इजी होता है, लेकिन यहाँ पे जहाज कभी ऊपर नीचे घूमते हैं, कभी ऐसे कभी लहर मारती है, उसमें से जहाज मूविंग होता है, तो इसको एंगल मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका एंगल कैसे मिलाया जाए। तो इस एंगल को मिलाने में टेकॉन रडार मदद करता है। ये ऊपर से ये जो रडार देख रहे हैं यही बताता है कि देख बबुआ तोरा लैंडिंग तो जहाज को थोड़ा सा और ऊपर करो, नीचे करो, दहीने बाएं। समझ जाइए कि ये जिस तरह से वहां पर ILS सिस्टम काम करता है ना एयरपोर्ट पे, वहां पे ये टेकॉन सिस्टम काम करता है और यही बताता है ताकि लैंडिंग आराम से इस पर किया जा सके और इजीली यहाँ पर अरेस्टेड लैंडर को फंसाया जा सके। इसके ऊपर ये वाला रडार को देखेंगे तो ये मेरीन रडार होते हैं, नेविगेशन रडार और मेरीन रडार। इनका काम क्या होता है, मेरीन रडार छोटे मोटे टारगेट को पकड़ते हैं, जैसे ड्रोन आ गया या छोटे सीप आ गए सब, नहीं तो इसे सुना इसी में बम बांध के लड़ा जाएगा तो भड़की जाएगा। और नेविगेशन रडार जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं जहाजों को कि ये रास्ता है इधर से जाइए, नहीं तो पता चला समुंदर ऊपर से तो दिख रहा है समुंदर है, नीचे से कोई पहाड़ खड़ा रहेगा तो पेदिए रगड़ा जाएगा उसका। तो ऐसी समस्या ना आए इसके लिए कई तरह के इसमें रडार लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये वाला ये सेलेक्सर RN रडार, ये बड़े साइज के होते हैं, दो ठो लगाए गए हैं यहाँ पर, ये एक इस साइड में उधर से में, ये वार्निंग रडार होते हैं। ये 400 किलोमीटर रेंज होता है, 400 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी आएगा पूरा वार्निंग सिस्टम को ये दे देगा। इस सारे सिस्टम को इसके ऊपर ही इसको लगाया जाता है ताकि वार्निंग इसको दिया जा सके। इसका जो मेन रडार लगाया गया है MM स्टार रडार लगाया गया, मल्टी फंक्शनल रडार। ये MM स्टार यहाँ पर देखेंगे ये इस शेप में बनाया गया और एक यहाँ पर बनाया गया, हालांकि शायद इसमें अभी इसको फिट नहीं किया गया, क्योंकि जब इसमें फिट किया जाता है MM मल्टी फंक्शनल रडार तो ये हल्का सा उभार आ जाता है, कोई जरूरी भी नहीं। देखिए यहाँ हल्का हल्का उभार देखने को मिलेगा, ये पूरे 360 डिग्री के डायरेक्शन में कई सारे टारगेट को निशाना बना सकते हैं। जैसे मान के चले अचानक 10-50 जहाज आ गया, 10 मिसाइल आ गया, 2 हेलीकॉप्टर आ गया, ड्रोन आ गया, इसको कोई टेंशन नहीं, सब पे नजर रखेगा, 1 पे लॉक कर देगा इधर उधर में। तो ये मल्टीफंक्शनल MF मल्टीफंक्शनल स्टार रडार होते हैं, ये इसका मेन रडार है। हालांकि इस पे चालू कर दिया गया होगा या नहीं भी किया होगा तो फिट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा इस पे ये जो एंटीना देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ये कैमिट सिस्टम होता है, ये एंटी रडार होता है, इसे जहाजों के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है इस टाइप का। ये क्या करता है, अगर दुश्मन का रडार हमारे विक्रांत को पकड़ेगा ना तो उसको भटका देगा, वो उसको फिगर नहीं बनने देगा, उसको भटका देता है, तो इसलिए इसे एंटी रडार कहते हैं। तो दुश्मन अगर कोई मिसाइल मारेगा हमारे जहाज के ऊपर ना तो ये मिसाइलों को भटका देगा, कहे इधर नहीं ना, उधर गिरो, उधर उधर विक्रांत है इधर, तो भटका देता है वहां पर, जिससे कि निशाने चूक जाते हैं। समुद्र में किसी भी तरह का टावर या वायर नहीं बिछे रहते हैं जिससे कि आप बात कर सके, वहां सैटेलाइट ही एक चीज होता है, तो सैटेलाइट से बात करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसी को इसे शॉर्टकट में सैटकॉम कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये बहुत संख्या में यहां देखेंगे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यहां पर लगाया गया है। ये सेटकॉम होते हैं सब, जो सैटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने एरिया वगैरह को, कम्युनिकेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। सेटकॉम के अलावा इसमें सबसे जो एडवांस लगाया गया एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है। ये एंटीना के एक पूरे ग्रुप को कहते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीना लगे रहते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो ये लगाए गए हैं। ये क्या करता है, इस जहाज को कम्युनिकेशन करने में यही मदद करता है। ये जो INS विक्रांत है ये किसी एयरक्राफ्ट कैसे संपर्क करेगा, इसी एंटीना के माध्यम से जो उड़ रहा हुआ ड्रोन है या जहाज है या हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा सबमरीन से कोई पानी के अंदर है तो वो सिग्नल देगी तो यही पकड़ेगा। इसके अलावा तट पर मान के लिए मुंबई के तट से कोई आदेश आया तो यही पकड़ेगा। तो एक तरह से समझिए कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को यही कंट्रोल करके रखता है।
सेकेंडरी सर्वेलांस रडार को इसके टॉप पर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लगाया गया है। ये रडार जहाजों के पोजीशन को दिखाता है, जैसे हमारे खुद के जहाज मान के चले राफेल वगैरह हैं या मिग 29 के हैं, इनके ऊपर भी रडार लगे होते हैं, लेकिन इस रडार की क्षमता ज्यादा नहीं होती है। तो ये अगर उड़ते हुए गए, इनको रास्ता दिखाना है कि भाई देख तुम्हारे पीछे से दूसरा जहाज आ रहा है, तो ये वाला रडार पता कर लेता है कि रे भैया हमारा मिग गया है, उसके पीछे पाकिस्तानिया का भी है, तो उसको ये वाला रडार तुरंत बता देगा, पलट 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 मार देगा वहां पर। डेक के अंदर जो होते हैं पूरे सेलर वगैरह रहते हैं, इनके अंदर जिम प्लेग्राउंड वगैरह सारी चीजों का व्यवस्था होता है, खाने पीने का आइटम रहता है, इनमें 6 महीने का सामान को स्टोर कर सकते हैं, इसमें ब्रेड बिस्किट ये सब बनाने के लिए बेकरी मशीन होती है, हॉस्पिटल होता है, सब चीज इसके अंदर। ये चलता फिरता शहर है, इतना खतरनाक होता है यहाँ पर। पाकिस्तान को टेंशन हो गया इसको लेके, उसका कह रहा है कि इतनी फैसिलिटी तो उसके कराची शहर में नहीं है जितना अकेले इसमें। इसके ऊपर वाले इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एविएशन कॉम्प्लेक्स, इसे आईलैंड भी कहते हैं लोग यहाँ पर, नहीं तो इसे एविएशन कॉम्प्लेक्स या सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी पे सारा कमांड सिस्टम इसी पर रखा गया रहता है। अब यहाँ पे कोई जहाज लैंडिंग वगैरह करती है तो इसी में से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी वगैरह का काम यहीं से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसके अंदर बैठे हैं लोग ना, यहाँ से टुकुर टुकुर झांकेगा जहाज लैंड किया या नहीं किया, खाली है या नहीं रनवे वगैरह, ये सब कुछ को ये एविएशन कॉम्प्लेक्स या सुपर स्ट्रक्चर से ही देखते हैं लोग। इसके ऊपर जो होता है ये वेदर रडार को भी लगाना जरूरी है ताकि इन्हें पहले से चेतावनी मिल जाए कि आगे मौसम खराब है, चक्रवात तूफान सुनामी या कोई भी मौसम में गड़बड़ी आएगा तो इनका खुद का वेदर सिस्टम होता है, बता देता है महाराज कैप्टन साहब उधर जा रहे हैं, टाइटेनिक वाला हाल हो जाएगा, गड़बड़ मौसम है उधर, ठंडा पड़ रहा है, मोड़िए पहले ही मोड़ जाएगा, नहीं तो जाकर थूर लेगा टाइटेनिक की तरफ में, सब पैसे डूब जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से ये सी ट्रायल पे निकला है, जितने चीजें बताए इसका 1 साल तक गहन जांच होगा काम कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग विशाल अब इस पे डिस्कस हो रहा है कि इसके चाहिए कि नहीं चाहिए, बजट के अभाव में कहा जा रहा है कि भैया इसको नहीं चाहिए, हालांकि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत जरूरी है वहां पर, और थर्ड एयरक्राफ्ट जो आएगा उसमें ये स्की जंप वाला सिस्टम नहीं होगा, स्की जंप में जहाजों को ऐसे इसके ऊपर जाके ऐसे जंप करके उड़ाया जाता है जिस वजह से अपनी फुल क्षमता से नहीं उड़ पाती है, जबकि अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो उसमें कैटापुल सिस्टम है, छोटे से रन में बस इतने दूर में जहाजें उड़ जाती है, दो दो रन में। इसमें क्या किया जाता है ना, जहाज के निचले चक्के को नीचे एक मशीन होती है गुलेल टाइप का, उसमें फंसा दिया जाता है और वो उसको फेंक देता है ऐसे गुलेल टाइप का, तो उड़ाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विक्रांत में हम लोग इस आने वाला थर्ड एयरक्राफ्ट करियर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और रखना भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि देखिए थर्ड एयरक्राफ्ट करियर की हमको जरूरत है, क्योंकि भारत की जो तटरेखा है आप देखेंगे एक लंबी तटरेखा है, तो इसको हमेशा 2 एयरक्राफ्ट चाहिए। अब हम कहेंगे सर 2 चाहिए, एक ठोकर सर्विसिंग में जाता है ना तो 6 महीना लगते हैं उसको रिपेयर सर्विसिंग, इतना बड़ा एरिया उसको करने में, तो एक ठो तो सर्विसिंग में जाएगा तो एनी टाइम हमारे पास एक ही अवेलेबल रहेगा, तो 3 ठो रहेगा तो 1 ठो सर्विसिंग में गया, 2 ठो रेडी है, तो हमें 3 चाहिए, एक सागर, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी, एक सर्विसिंग के लिए चाहिए, और दूसरा हमें बनाने में जाता क्या, वरना यूक्रेन का हाल हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट मतलब पानी वाली जहाजों को बनाया था यूक्रेन में, जब रूस जो था यूएसएसआर था 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो इसके जितने भी वो शिपयार्ड थे उसको छोड़ दिया गया। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं वो सब के सब यूक्रेन में बने हैं, और आज हाल यूक्रेन का ये हो गया है कि यूक्रेन जहाज बनाना भूल गया क्योंकि उसने कुछ आगे सिप बनाए नहीं, अब उसको जहाज बनाने के लिए तुर्की से खरीद रहा है, तो वही हाल हमारा हो जाएगा। अगर हमारे पास कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो जहाजों को उड़ा सके तो क्या दिक्कत है भाई साहब हम लोग को, हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ये विक्रांत हम लोग के पास ऑलरेडी है, हमारे पास इसका डिजाइन है, नक्शा है, हर चीज है। अगर हमारे पास थर्ड बनाने के लिए खर्चा आता है तो इसी को कॉपी करके एक और बना दीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ना आपको अलग से इंजीनियर बुलाना है, ना डिजाइन बनवाना है, ना कोई कटिंग का सांचा अलग बनाना, सब कुछ फिट है वहां पर। जैसे मान के चलिए हम किसी दर्जी के पास गए कपड़ा सिलवाने के लिए और 2 महीना बाद कहें कि यार ये कपड़ा तो ठीक ही हो रहा है एक और सिलवा लेते हैं, तो हमको मेहनत थोड़ी करना है, कपड़ा खरीद के दे देंगे, उसके पास नाप ऑलरेडी है, तो हमारे पास ऑलरेडी नाप पड़ा हुआ है विक्रांत का, एक और बना के दे देंगे, 3 तो हो ही जाएंगे यहाँ पर। देखिए डर भी जरूरी होता है, संख्या बहुत मायने रखती है। कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एयरक्राफ्ट करिए, 1 को नहीं, चाइना के पास अभी फिलहाल 1 गो है, 1 गो बन रहा है, 2030 तक 10 गो कर लेगा, अरे 10 गो कर लेगा, और 2030 तक हम लोग मॉडलें बनाएंगे, तब तक इसी को छाप कर रख दीजिए, हमारे इंजीनियर क्या खाली बैठे रहेंगे सब 2030 तक। और हम तो कहते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत खर्चा आता है, एक जहाज खरीदो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर अलग से खरीदो, उसके ऊपर मतलब एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज अलग से खरीदो, उससे अच्छा है कि हम लोगों को एक आइलैंड बना लेना चाहिए और आर्टिफिशियल। देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो है जहां पर हमारा
ये अंडमान निकोबार यहाँ हमारी नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, यहाँ रडार एयरपोर्ट वगैरह सब है, यहाँ लक्षद्वीप में है। तो भारत को क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पर एक अलग से आइलैंड बना दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए, ये क्या करेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेगा, ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया, यहाँ ऑलरेडी हमारा अंडमान निकोबार पूरा कंट्रोल कर लिया, चाइना घुसो सा शुरू तो नहीं यहाँ पर, और एक हम लोग को यहाँ बना लो और एक इस साइड बना लीजिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये पूरे बॉर्डर को कंट्रोल कर लेगा, यहाँ एक आइलैंड बना लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में, कौन चिल्लाने आएगा, चाइना बोल बना ही ले, कौन चीज इधर कोई है ही नहीं चिल्लाने वाला, यहाँ पर पाकिस्तान चिल्लाएंगे, उसको चिल्लाने दीजिए, यहाँ पर ये एरिया से यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, एक आइलैंड इधर बना देंगे, चाइना ने यहाँ जिबूती में बना रखा है, कंट्रोल हो गया, खत्म कहानी। अब जो हमारे बच्चे सब विक्रांत वगैरह उसको छुट्टा शहर की तरफ टहलने दीजिए, तुम टहलो जी भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं है, और इस आइलैंड पे कोई झमेला नहीं होता है, आपको टेंशन फ्री है, आपका इतना एरिया आपको दिखेगा तो ये एरिया सेफ हो गया, ये एरिया सेफ हो गया, और इस आइलैंड को ना इसको दुश्मन के बम गिराने से झमेला है, अब भाई जहाज पे बम गिराएंगे डूब जाएगी, थोड़े गिरेगा, जहां बम गिरेगा वहीं कुछ हल्का सा डिस्टर्ब होगा, और आप यहां पर पूरा रडार फिट कर लीजिए, आर्मी के रहने का जगह बना दीजिए, हर चीज बना सकते हैं, और इसमें कम खर्चा है, सिंगल इन्वेस्टमेंट है, एक बार नहीं, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जहां तक एक्सपायरी डेट हो जाता है वहां पे उसको फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, बैटरी चाहिए, जनरेटर चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए साइज मायने रखता है, साइज बड़ा नहीं होना चाहिए इसमें, पूरा बनाइए, यहाँ पर पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चा में आ जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि इस साइड आईलैंड से कवर करके, इस साइड आईलैंड से दो को यहाँ पे तीन को लेते ही सर्विसिंग होगा, दो छुट्टा साढ़ की तरह घूमेंगे सर। आप क्या सोचते हैं कि क्या हमें आईलैंड पे वर्क करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक मिसाइल भी अगर इस पे बढ़िया से हिट कर जाएगा तो रिस्क है, हालांकि मिसाइल को ये हिट होने नहीं देता, इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हुए। अब पाकिस्तान क्या क्या कहना है, देखिए ये सब साले सब पूरा बैल है सर। अब हमारा जो विक्रांत है, तो विक्रांत की कॉस्टिंग जोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर मिग 29K जो 36 जहाज आएंगे उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उस पर 10 हेलीकॉप्टर आएंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उसके साथ जो पूरा बैटल ग्रुप चलेगा उसका कॉस्टिंग, उस पर 64 बराक मिसाइल जुड़ेंगे उसकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, तो मोटा मोटी $12 बिलियन पड़ेगा। और पाकिस्तान के पूरे तीनों सेनाओं को मिला दीजिएगा, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौ सबको, तो $11 बिलियन का बजट है, सोच रहे उनके पूरे बजट से ज्यादा हम लोग का एक जहाज है, तो ये क्या करे सब, इन्होंने चाइना से, चाइना में इनको ठग दिया, अरे बैल कहीं का, चाइना ने कहा हमने एक मिसाइल बनाया है, मिसाइल का नाम है CM-400, ये मिसाइल जाके मार देगा विक्रांत को, इन गधों को इन्होंने बताया ही नहीं कि इस मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम उन्होंने दिया ही नहीं है, अब विक्रांत अपना जगह बदल देगा तो ये वहीं जाके गिर जाएगा, पूरी तरह से लोल है सर। इनको दे दिया है कितना दिया है 60 को, जबकि इन गधों को कुछ पता ही नहीं है कि INS विक्रांत जो है 64 को बराक 8 मिसाइल रखता है, ये बराक 8 मिसाइल इसराइल का बना हुआ, इंडिया इसराइल मिल के बनाए हैं सब, और आयरन डोम जो इसराइल ने गाजा के रॉकेटों को मार देता है उसका बाप है ये, आयरन डोम की तो क्षमता 10 किलोमीटर होता है, इससे 150 किलोमीटर मारेगा, और उसके आगे ही कह रहा है कि हम फेंकेंगे अमर, अरे यार अगर विक्रांत चुपचाप अपना लंगर गिरा के ब्रेक मार देगा ना तो तुम्हारा मिसाइल पानी में गिरेगा, और तुम्हारा JM-17 एक लड़ाकू जहाज दुए को लेकर उड़ सकता है, और इसके ऊपर हमारे विक्रांत के ऊपर ऑलरेडी फाइटर जहाज है, ये जाके उस जहाज को मार देंगे तो ना हम मार देंगे यहाँ पर, उसके अलावे 76mm का कैनन लगा हुआ तोप से मार के गिराया जा सकता है, या फिर हमारे पास AK-660 मशीन गन लगे हुए हैं, ये पॉइंट मशीन गन होते हैं, इनको रडार से फिट कर दीजिए, ये जिधर देखेंगे निशाना लगाने की जरूरत नहीं, रडार से देख के मार देते हैं वहां पर, लेकिन ना ये मार के गिरा देंगे हमारे विक्रांत को, इन शत्रुओं को कुछ अते पते नहीं है यहाँ। आई होप आप विक्रांत के सारे एवियोनिक्स और रडार सिस्टम को समझ गए होंगे, आपकी क्या राय है, भारत को केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिपेंड रहना चाहिए कि साथ साथ इसके पैरेलल आइलैंड पर भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने आइलैंड्स को मिलिट्री आइलैंड बना रखा है, दुबई ने तो आइलैंड पर पूरा शहर ही बसा रखा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि सारा डेप्थ में डिटेल में बताया, अब समझ में आता है कि भैया वैसे भी पता ही है पर जब आप उसमें थोड़ा और डिटेल्स दिखा रहे हो कि कितने रडार्स लगे हैं कितना कुछ लगा है फिर रियलाइज होता है कि क्यों इतना टाइम लगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने में एक एक चीज ठीक होनी चाहिए क्योंकि अगर वो ठीक फंक्शन नहीं करेगी तो उसका फायदा नहीं होगा और इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो तो एक एक चीज बनाने एक एक रडार का वो करना है तो टाइम तो लगना ही है तो इसी वजह से लगा है। और जैसे कह रहे हैं कि आइलैंड बनाना चाहिए मैं तो कहती हूँ जरूर बनाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए हमें जल्दी बनाना चाहिए, अगर चाइना ने बनाना शुरू कर दिया बना दिया तो हमें भी बनाना चाहिए क्यों नहीं बनाए। और अगर कह रहे हैं जैसे इनके हिसाब से वो सस्ता है एज कम्पेयर टू कि आप एक और ये बनाओ तो फिर डेफिनेटली आइलैंड बनाओ अपने क्योंकि उससे एक तो आपके पास लैंड एरिया आ गया पूरी अपनी आर्मी लेके जा सकते हो लोगों को लेके जा सकते हो जो वहां पे रह सकते हैं परमानेंटली और पूरा एरिया को सर्वेलेंस भी वहां पे बैठे बैठे कर सकते हैं। मेरे को तो लगता है बहुत ही अच्छा आइडिया है। राइट, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का ज्यादा यूटिलिटी रादर देन
एन आइलैंड के आइलैंड में आप फिक्स हो गए, आप फिक्स हैं, आपने यहीं पर है। अगर दूसरा बंदा कहीं और से अटैक करता है तो आप लेके नहीं जा सकते कैरियर। तो मेरे हिसाब से तो कैरियर बहुत जरूरी है उसे, क्योंकि वो मोबाइल है, वो हिलता है, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। कल को चाइना में फाइट होने तो साउथ चाइना सी में लेके जा सकते हैं, आप दूर पर्शियन गल्फ में ले सकते हैं। तो आप कैरियर की यूटिलिटी बहुत है क्योंकि मोबाइल है, जो कहीं पर भी जहां स्टडी के लिए आपको किसी की मदद करनी है, कुछ करना है, आप लेके जा सकते हैं। दूर आप लेके जा सकते हैं, मान लीजिए आपको एंटार्क्टिका में ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आप नीचे लेके ऑस्ट्रेलिया के पास लेके जा सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। इसे लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। यस, आइलैंड बना से फायदा होगा आपको, मगर यह है कि आइलैंड बना के में इतना समय लगेगा, उसके बदले अगर एयरक्राफ्ट कैरियर होते में आ जाता है तो मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट कैरियर ही आपको बनाना चाहिए। और बात सही है कि देखिए, कभी भी अगर कोई देखे तो हम जब स्पेस की बात करते हैं तो बोलते हैं स्पेसशिप। स्पेसशिप शिप क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉइंट यही है कि आप जब शिप बने थे, जितने भी नेवल शिप है, कोई भी शिप है, वो अपनी कंट्री छोड़ के जाता है, वो फुली रिलायंट होता है, उसमें लोग रहते हैं, जैसे एक घर है, सारे ऑपरेशन में होते हैं, वो दूर है, आप अपने घर से हेल्प नहीं मांग सकते, उसे खुद ही आप अकेले में सर्वाइव करना है। वहां पे अगर आपको पानी चाहिए तो रेन वाटर को वो रख लेता है जिससे पानी पी सके, आपको खाना खाना है तो फिशिंग करके फिश निकाल के खा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज बनी है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, जो अपने आप सर्वाइव कर सकती है सालों साल। तो उसी लिए जो है स्पेसशिप का कॉन्सेप्ट वैसे बता रहा था, मगर मेरे को लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाने चाहिए। और जो कैटरपुल्ट वाले हैं, क्योंकि वो छोटे साइज में बन जाते हैं, ज्यादा मोबाइल होते हैं, इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम पुराने वाले ना बनाएं, न्यू बनाएं, क्योंकि आजकल के जमाने में न्यू वालों की ज्यादा यूटिलिटी है। कोई रीजन है कि वो पुराने टाइप के नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये लंबे होते हैं, उनमें ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ पे ये है कैटापोल्ट वाले में, ये कि छोटा होता है, जल्दी से निकल जाएगा और बहुत सारे आप स्टोर कर सकते हैं, एक मिनट में आप कैटापोल्ट से बाहर जा सकते हैं। तो बहुत यूटिलिटी, बहुत फर्क है। मतलब टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि इंडिया यही सोच रहा है कि अब कौन पुराना वाला बनाएगा, बेटर है कि आप ब्रांड न्यू नया बनाइए। तो काफी अच्छा वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, इनके हिसाब से तो भैया आइलैंड से बेटर वही है। तो देखते हैं, आप भी बताना आपको क्या लगता है। चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।